दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड के किस सुपरस्टार के पास में सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट है? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बिना देरी करे एक ही जवाब दोगे कि भाई वो तो खिलाड़ी कुमार है। यानी कि भैया, खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्मों को लेकर जब भी हम आपको जानकारी देने की तैयारियां करते हैं तो भाई पूरा होमवर्क करके हमें आना पड़ता है। यानी कि भैया, एक फिल्म की जब चर्चा हम कर रहे होते हैं खिलाड़ी कुमार की, कि भैया दूसरे दिन ही ये खबर निकल के आती है बॉलीवुड से कि भाई खिलाड़ी कुमार ने एक और फिल्म साइन कर ली है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि 2020 से लेकर 2021 तक, अब तक इस कोरोना काल में अगर किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा फिल्मों का काम कंप्लीट किया है तो वो खिलाड़ी कुमार है। यानी कि भैया, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो भैया अभी ये खबर कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताई थी कि भैया खिलाड़ी कुमार ने बच्चन पांडे का काम कंप्लीट करके अपनी आने वाली दूसरी फिल्म यानी कि भैया राम सेतु के काम को भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच में खिलाड़ी कुमार को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया कोरोना वायरस की वजह से उनकी आने वाली इस फिल्म यानी कि राम सेतु का काम रुक गया है। लेकिन अब खिलाड़ी कुमार को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई बहुत जल्दी ही शूटिंग के फ्लोर पर नजर आएंगे खिलाड़ी कुमार, यानी कि वो बहुत जल्दी ही राम सेतु का काम शुरू करेंगे और इस फिल्म का काम जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद वो रक्षाबंधन का काम शुरू करेंगे। और भाई, रक्षाबंधन के बाद वो एक और नई फिल्म का काम शुरू करेंगे, ऐसी खबरें निकल के आ रही है बॉलीवुड की गलियारों से। यानी कि भैया, इस फिल्म को लेकर तो चर्चाओं का बाजार जनवरी के महीने से ही गर्म हो गया था, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी सामने आ रही है कि भाई ओ माय गॉड टू सिनेमा घर में बहुत जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, अक्षय कुमार एक फिल्म का काम कंप्लीट करते हैं कि भैया उनकी झोली में दूसरी फिल्म टपक पड़ती है। तो भाई, खिलाड़ी कुमार को लेकर यह जानकारी सामने आ चुकी है कि वो बहुत जल्दी ही ओ माय गॉड 2 का काम शुरू करने वाले हैं। यानी कि भैया, इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि इस फिल्म का काम जो है वो इसी साल सितंबर के महीने से शुरू हो सकता है। यानी कि भैया, इस फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो अपने प्री प्रोडक्शन के फेज को कंप्लीट करने में लगी हुई है और उसके साथ ही बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि भाई इस बार इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार के अपोजिट मेन लीड में परेश रावल नहीं होंगे। यानी कि भैया, परेश रावल इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह अब इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है किसकी, तो भैया पंकज त्रिपाठी की। यानी कि भैया, बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार फिर से इस फिल्म में भगवान के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी मेन भूमिका में नजर आएंगे। यानी कि परेश रावल वाली जो भूमिका है वो पंकज त्रिपाठी निभाएंगे और इस फिल्म को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यानी कि भाई, यह फिल्म सितंबर के महीने में फ्लोर पर जाएगी किसके डायरेक्शन में, तो भैया पार्ट वन के डायरेक्टर यानी कि उमेश शुक्ला ही इस फिल्म को फिर से एक बार डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई एक बार फिर से अक्षय कुमार के साथ काम करते नजर आएंगे भाई पंकज त्रिपाठी, तो भैया ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल तो उठा होगा कि एक बार फिर से पंकज त्रिपाठी काम करते नजर आएंगे अक्षय कुमार की फिल्म में, तो भैया इससे पहले वो किस फिल्म में उनके साथ काम किए हैं? तो भैया, हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार ने बच्चन पांडे का काम कंप्लीट किया है और उस फिल्म में भाई पंकज त्रिपाठी भी हैं। यानी कि भैया, उनके बाउंडेशन को देखने के बाद ये बात कही जा रही थी कि दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बाउंडेशन बन चुका था बच्चन पांडे के शूट के दौरान और इसी वजह से ही पंकज त्रिपाठी की एंट्री हुई है इस फिल्म में। तो भाई, दो दमदार कलाकार जब आमने सामने होंगे तो भैया दोनों की एक्टिंग को तो देखने में मजा आएगा। अगर हम बात करें भैया पंकज त्रिपाठी की, तो भैया वो तो
अद्भुत कलाकार हैं, उनकी हम एक्टिंग की क्या दाद दें। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया खिलाड़ी कुमार की, तो भाई खिलाड़ी कुमार तो खिलाड़ी कुमार है, यानी कि वो अपने एक्टिंग से लोगों को कई सालों से हंसाते रुलाते गुदगुदाते और अपने एक्शन से अचंभित करते आए हैं। तो भाई अच्छा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कलाकारों को एक साथ सिनेमाघर में देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई क्या आपको ओ माई गॉड 2 में परेश रावल की कमी खलने वाली है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।